नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। बुलेटिन 11 की बात की शुरुआत मुंबई की खबर के साथ करेंगे। मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास गोखले रोड ओवरब्रिज का स्लैब गिर गया है। यह हादसा सुबह 7:30 पर हुआ, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। एक शख्स को मलबे से निकाला गया। हादसे के पीछे भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। शहर के कई इलाकों में सोमवार शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। हादसे की वजह से वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। ये ओवरब्रिज अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता था, जिससे ये लाइन पूरी तरह प्रभावित हो गई है। तो हादसे से लोकल सेवा पसी की वजह से वेस्टर्न लाइन पर लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। ये ओवरब्रिज अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता था, जिससे ये लाइन पूरी तरह प्रभावित हो गई है। तो हादसे से लोकल सेवा पर असर पड़ा है। फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। वेस्टर्न लाइन पर लोकल सेवा बंद हो गई है। अंधेरी में ये गोखले ब्रिज है, जिसका हिस्सा गिरा है। 3 तस्वीरों के जरिए पूरा हादसा आपको दिखा रहे हैं। रोड ओवर ब्रिज गिरा है सुबह 7:30 के आसपास। इसमें 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सभी को अस्पताल ले जाया गया है और इस हादसे के चलते लोकल सेवा प्रभावित हुई है। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से मुंबईकरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो लगातार यहां पर बारिश की वजह से मुश्किलें सड़कों पर भी है, लेकिन अब इस हादसे के बाद ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो मुंबई के अंधेरी में यह ब्रिज है, गोखले ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है, और इसी रोड ओवर ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। वजह जो बताई जा रही है वो ये कि भारी बारिश की वजह से ये कमजोर हो गया था। कल देर रात से मुंबई में भारी बरसात हो रही है और इस बारिश की वजह से जो है मुंबई का गोखले ब्रिज जो है वो गिर गया है। बहुत बुरी तरीके से जो है यहाँ पर हालत है, क्योंकि सुबह 7:30 जो है ये ब्रिज जो फ्लाईओवर है वो गिर गया है। ये ईस्ट वेस्ट अंधेरी ब्रिज है जो ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है, और इस वक्त के जो है तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जो है ये घटना घटी है। और इस वक्त जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, आरपीएफ की जो टीम है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन परिणाम ये हुआ है कि पूरा वेस्टर्न लाइन जो है वो बंद कर दिया गया है। इसलिए कई लोग हैं दफ्तर जाने वाले, वो फिलहाल ट्रेन में फंस गया है। इस वक्त जो है जानकारी मिल रही है कि कोई भी ऐसी हाथाहाथ नहीं हुई है, लेकिन एक आध लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी जरूर हो गए हैं, और फिलहाल जो है यहाँ पर ऑपरेशन जारी है ताकि ये ब्रिज का काम जल्दी से जल्दी हो सके। और जो परेशानियां हो रही है मुंबईकरों को, क्योंकि आज जो है सुबह सुबह सभी लोग जो है दफ्तर के लिए निकले, और उसी वक्त जो है फिलहाल ट्रेन जो है वो बंद हो गए, और फिलहाल ब्रिज का काम जो है वो पूरी तरीके से जारी है। पूजा नवाथ है, इंडिया न्यूज मुंबई। आज सुबह भारी बरसात की वजह से मुंबई में ईस्ट वेस्ट अंधेरी फुट ओवर ब्रिज जो है वो गिर गया, जिस वजह से जो है एक इंसान पूरी तरीके से गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। तो फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या आरपीएफ की टीम हो यहाँ पर मौजूद है, और पूरी तरीके से जो है वेस्टर्न रेलवे जो है वो ठप हो गई है। उस वजह से लोगों को जो है ऑफलोइंग लोग जो है उनको परेशानियां हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर जो है फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद है, और पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो ब्रिज गिरा है उसको जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत वक्त जो है वो लग सकता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो बहुत ही बड़ा फुटओवर था, और काफ़ी घंटों तक जो है लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और इस वक्त जो है मुंबई में बहुत ही तेज़ बारिश भी हो रही है, जिस वजह से जो है मुंबईकरों को आज जो है मुसीबत की बारिश का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई में ये बड़ा हादसा हुआ है, और मुंबई में बारिश भी लगातार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में बारिश लगातार हो रही है, और ऐसे में कई जगह पर जलभराव की भी स्थिति है। और आज हादसा जो हुआ है, गोखले ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। कहा यह जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ और अचानक से फिर गिर पड़ा। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और चलिए, और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ गए। अभिषेक, एक तरफ भारी बारिश लगातार हो रही है, तो दूसरी तरफ आज जो सुबह हादसा हुआ है उसकी वजह से ट्रेन सेवा पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। क्या अपडेट है फिलहाल?
आप बिल्कुल देखिए साफ है कि अभी भी ट्रेन की सेवा शुरू नहीं हो पाई है, अभी भी बाधित है। अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात करें, विरार से लेके जो गोरेगांव से ट्रेन चलाई जा रही है, उसी तरह से 15 सेकंड से जो ट्रेन चला रही है, यानी गोरेगांव से लेके विले पाले के बीच में कोई भी ट्रेन सेवा नहीं चल रही है, पूरी तरह से ट्रेन सेवा बाधित है। जो जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज गिरा हुआ है वहाँ पर पूरी तरह से ओवरहेड वायर टूट चुका है, और यह जो जानकारी मिल रही है रेलवे द्वारा करीबन 3 से 4 बजे के आसपास एक लाइन शुरू हो पाएगी, यानी वार्ड फुट पर काम तो जरूर शुरू कर दिया गया, लेकिन वह काम को एक जो लोकल लाइन है, जो स्लो लाइन है, उसको कम से कम 3 से 4 बजे शुरू कर दिया जाएगा ताकि थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है कि मुंबई करों के लिए जो सुबह का वक्त था ऑफिस जाने के लिए, वह पूरे का पूरा लोगों का खराब हो चुका है, लोग परेशान है। जरूर बीएसटी की बसें करीबन 34 से अधिक बसें चलाई जा रही है ताकि रोड पर अधिक ट्रैफिक ना लगे, लेकिन यह साफ है कि अभी भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है, और उस जो जिस जगह पे गिरा, यानी अंधेरी जिस जगह ब्रिज गिरा हुआ है, उस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया, यानी ईस्ट वेस्ट आने के लिए भी लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच तेज बरसात हो रही है, तेज बरसात की वजह से लोगों को तमाम और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर रोड पे जाए तो पानी भरा हुआ है, जा नहीं सकते, ट्रेन पूरी तरह से बंद है। इस बीच लेकिन राहत की बातें हैं कि सेंट्रल लाइन की जो ट्रेनें हैं वह चल रही है सुचारू रूप से, और साथ ही हर्बल लाइन की ट्रेनें वह चल पा रही हैं। इस बीच आपको जानकारी और भी देता हूँ कि एक आरटीए का खुलासा हुआ है कि 2016 में एक आरटीए जाली गेट से साफ आ गया था, विरार से लेकर चर्च गेट तक जितने भी फुट ओवर ब्रिज है सबके सब सुरक्षित है, उसका सर्वे कराया गया है, यानी साफ है कि रेलवे किस तरीके से लोगों के हाथ में धूल झोंका, किस तरीके से फुट ओवर ब्रिज का जो सर्वे कराया जाता है हर साल कराना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑडिट जो कराया जाता है वह नहीं कराया गया है, और साफ साफ जानकारी गलत दी जा रही है, और यही हालत रहा है, सही तरीके से इसका रख रखाव किया गया होता तो आज ब्रिज नहीं गिरा होता और इससे बड़ी क्षति नहीं पहुंचती और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अभिषेक, मुंबई करों के लिए आज कई तरह की दिक्कतें हैं और सभी भारी बारिश की वजह से। लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कों पर तो स्थिति बेहाल है ही। डब्बा वालों ने भी आज ये ऐलान कर दिया कि वो आज डब्बा सर्विस नहीं देंगे। दूसरी तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रूट है ये भी पूरी तरह से बाधित हो गया। बिल्कुल आपने डब्बा वाले जो करीबन मुंबई में 2.5 से 3 लाख लोगों को डब्बा पहुंचाते हैं उन्होंने भी आज बंद कर दिया, क्योंकि ट्रेन सेवा बाधित होने की वजह से उन्होंने भी सर्विस अपनी आज बंद कर दी, नहीं पहुंच पाए, समय पर पहुंचना होता नहीं पहुंच पाए। इस बीच जैसा कि बार बार बता रहा हूँ कि मुंबई में तमाम जगहों पर इस पर जल जमा हो चुका है। अगर हम अंधेरी सब्जी की बात करें, सायन की बात करें, हिंद माता की बात करें, गुलाबा एरिया में बहुत अधिक बरसात हो रही है, मुंबई सिटी में की बात करें तो जी। तो अभिषेक, हमारे संवाददाता जो कि बता रहे थे मुंबई इस वक्त भारी बारिश से बेहाल हो चली है, सड़कों पर किस तरह से भारी बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आज भारी बारिश की वजह से एक हादसा हो गया है, फुट ओवर ब्रिज गिरने की वजह से जो ईस्टर्न वेस्टर्न रूट है ये बाधित हो गया है, लोकल सेवा पर सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से खाली आदमी लोग सफर करते हैं तो वेस्ट से ईस्ट में, ईस्ट से वेस्ट में जाने वाला ब्रिज ये अचानक बारिश की वजह से नीचे गिर गया। इसमें अभी तक 5 आदमी घायल हो गए हैं, उनको कुपर हॉस्पिटल में भेजा गया है। यहाँ सब स्टाफ, पूरा रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस सब हाजिर है और ये मलबे को निकालने के लिए कोशिश में है। तो 3 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रोड ओवर ब्रिज गिरने की वजह से हुआ हादसा, सुबह 7:30 के आसपास यह हादसा हुआ जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से कई की हालत गंभीर भी बनी हुई है, सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, और इस हादसे की वजह से, इस ब्रिज के गिरने की वजह से लोकल सेवा बाधित हुई है। 2 तस्वीरें इस वक्त देखिए, आज की तस्वीर, आज गोखले ब्रिज का एक हिस्सा टूट कर गिर पड़ा, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 27 सितंबर 2017 की है। ये तस्वीर जबकि है जब एक अफवाह फैली थी पुल के टूटने को लेकर और अचानक से लोग इधर उधर अंधाधुंध भागने लगे थे और इसमें 23 लोगों की मौत भी हो गई थी भगदड़ की वजह से। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अभिषेक, हमारे संवाददाता लगातार हर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इससे पहले भी जो भगदड़ अफवाह के, भले वो अफवाह को लेकर वो भगदड़ मची हो, उस वक्त भी ये एक मुद्दा उठा था कि जितने भी ब्रिज हैं उनकी हालत किस तरह की है, कई पुराने ब्रिज भी मुंबई में मौजूद हैं जिस पर लोगों, लाखों लोगों की आवाजाही रोजाना होती है, ये पुल कितना पुराना था और इसे लेकर क्या कोई जानकारी आई है सामने, क्या पहले भी कोई शिकायत मिली इस पुल को लेकर?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 2016 का एक आरटीआई सामने आया हुआ जिसमें साफ तौर रेलवे ने साफ साफ कहा है कि कोई भी ब्रिज यानी चर्चगेट से लेकर विरार के बीच जितने भी ओवरब्रिज ब्रिजे हैं वह कोई भी सही तरीके से उसका काम कर सके, कहीं भी कोई भी ऐसी कोई बात नहीं जिससे कोई ब्रिज गिर सके। यानी पूरी तरीके से रेलवे साफ तौर पर कहा गया था कि कोई भी ब्रिज का मरम्मत कर दिया गया, उसका रखरखाव सही से किया जा रहा है, कोई भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। लेकिन यह साफ जिस तरीके से आज ब्रिज गिरता है यह साफ समझ में आता है कि किस तरीके से रेलवे प्रशासन का यह लापरवाही है। सही कहा आपने कि जो एक्सीडेंट में ब्रिज गया था 23 से 24 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी रेलवे प्रशासन कह सकते हैं कुंभकर्णी नीति से नहीं जागा, यह साफ समझ में आता है। और आज हालत यह है कि इस तरह से रेलवे का जो ओवरब्रिज जो ब्रिज है वह गिरता है, उसके वजह से 5 लोग जख्मी हो जाते हैं। हालांकि एक उसमें से अभी तक गंभीर रूप से जख्मी है, कुकर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन हालात यह है कि रेलवे की तरफ से सही तरीके से रखरखाव ना होने की वजह से यह बड़ा हादसा आज मुंबई में देखने को मिला। बिल्कुल लापरवाही से जुड़ा हुआ सीधा यह मामला है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभिषेक फिर से आपके पास लौटेंगे। तो भारी बारिश का असर पूरे मुंबई में देखने को मिल रहा है। इस बीच डब्बा वालों ने भी आज एक अहम ऐलान किया और उन्होंने कहा कि आज ये सर्विस बंद रहेगी, डब्बा वाला खाना नहीं पहुंचाएंगे लोगों तक। आज सुबह 7 बजे के आसपास अंधेरी स्टेशन पर लोकल ट्रैक पर पुल गिर गया है, उसी के चलते विरार से चर्चगेट सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। अरे पश्चिम रेलवे वेस्टर्न रेलवे जो है वो बंद है और इसी के चलते मुंबई के डब्बे वाले कई जगह पे स्टेशन पे अटके पड़े हुए हैं। तो आज हम लंच टाइम कवर नहीं कर सकते, इसलिए मुंबई के डब्बे वाले ने ये निर्णय लिया है कि आज मुंबई में डब्बे पहुंचाने की सेवा बंद रखी है। तो भारी बारिश और पुल टूटने की वजह से डब्बा वालों ने यह फैसला लिया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर मुश्किलें लोगों के सामने आ रही हैं। मुंबई भारी बारिश से बेहाल है, दिल्ली में हालांकि लोगों के लिए खुशखबरी चूंकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, मुरादाबाद में भी बारिश हो रही है, शिमला चंडीगढ़ और लुधियाना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं जिससे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो 6 अलग अलग तस्वीरें, बारिश के बाद कहां कितना असर पड़ रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई में बारिश की वजह से हादसा भी आज सुबह हो गया, डब्बा वालों ने ये मना कर दिया कि आज वो सर्विस नहीं देंगे, आफत की बारिश से लोग बेहाल हो चले हैं, मुंबई में जगह जगह पर घुटने तक पानी भर गया है, सफर के दौरान कई गाड़ियां खराब होकर बीच में ही जहां तहां फंस गई हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कार बाइक छोटी बड़ी गाड़ियां पानी के बीच ही जो जहां है वो वहां फंस गई है। मुंबई में कल से ही जोरदार बारिश हो रही है जिससे कई जगहों पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है सड़कों पर घुटनों तक, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोग अपने घरों से निकल रहे हैं पर तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए। तो आफत की बारिश से मुंबई बेहाल हो चली है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी आज सुबह वहां पर हुआ। अपडेट